हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी सब्जी। सब्जी कहिए या भुंजिया कहिए, आलू और परवल की। देखिए, इसमें आलू ले लिए हैं, इसे अच्छे से छील के धो के इसे पतला पतला काट लिए हैं। मीडियम साइज़ के ये परवल है, इसे अच्छे से छील के इसका बीज निकाल लिए हैं और इस तरह से ऐसे काट लिए हैं, देख सकते हैं। अब इसे बनाने के लिए चलते हैं। कढ़ाई गर्म हो गया, इसमें हम सरसों का तेल डाल देंगे। बहुत ही कम तेल मसालों में बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। देखिए, तेल हमारा गर्म हो गया है। तेल गर्म हो गया, अब इसमें हम डाल देंगे ये पचफोरन आधा चम्मच, तीन मिर्च लिए हैं, हरी मिर्च है। देखिए, ये फ्राई हो गया, इसमें अब आधा प्याज डाल देंगे। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। देख सकते हैं इसमें कितना बीज निकला है, इसे निकाल लिए हैं। प्याज देखिए फ्राई हो गया है, इसमें अब हम सब्जी डाल देंगे, परवल। साथ ही इसमें अब हम आलू डाल देंगे। अच्छे से इसे मिला लेंगे। मिला के इसे 5 मिनट इसी तरह फ्राई करेंगे, इसका कच्चापन निकल जाएगा और आलू परवल भी फ्राई हो जाएगा। 5 मिनट हो गए हैं, इसे अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। ज़्यादा फ्राई नहीं, हल्का फ्राई करना है और फिर मसालों के साथ इसे फ्राई करेंगे। इसमें अब हम मसाले में हल्दी पाउडर डाल देंगे 1 चम्मच और ये फिर आधा चम्मच ये पिसा हुआ मसाला है लहसुन, और इसमें आधा प्याज जो उसमें डालें, आधा प्याज इसमें पीस के डाल रहे हैं। मिला लेंगे। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर 30 चुटकी, ज़्यादा तीखा नहीं करेंगे। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो और भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिला लेंगे। अब इसे ढक के भूनेंगे 5-10 मिनट, 10 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेंगे। सब्जी को बीच बीच में चलाते रहेंगे, अच्छे से इसे और भूनेंगे। बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है अभी से ही, इसमें लहसुन का खुशबू बहुत तेज़ है, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। इसमें अब हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, मिला लेंगे। अच्छे से इसे मिला के और ढक के पकाएंगे, इसे ढक देंगे। देखिए, इसमें जो भी पानी डाले थे वो सूख गया है और सब्जी अच्छे से फ्राई हो गया। इसमें अब टेस्ट के अनुसार हम नमक डाल देंगे, मिला लेंगे। देख सकते हैं दोस्तों, सब्जी कहें या भुंजिया बनकर तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक बार बनाकर जरूर देखिए, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। देखिए, सब्जी भुंजिया बनकर तैयार है, इसे आप रोटी के साथ खाएंगे।